आपको बता दें, पूरा मामला पांडा जनपद के मकरीब ग्राम पंचायत का है, जहां पर भाभी संगीता अपनी बच्ची के साथ अपने घर का कार्य निपटा रही थी और आदमी किसी काम से घर से बाहर चला गया था। दोनों नंदों ने बा करके भाभी को घर से निकाला और उसके कमरे से घसीटते हुए बोली कि तुम्हें अपने घर से निकाल कर मानूंगी। भाभी को मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजे पर ताला लगाते हुए बोली कि जब तक तुम्हारा घर ना भिजवा देंगे तब तक हम चैन से ना जियेंगे। उसके बाद पीड़ित महिला रात भर अपनी बहन के घर रुकी। महिला रात भर खुद चौकी पहुंची। थाना पहुंच करके जब दोनों नंद शादीशुदा हैं, एक ही की शादी ग्राम पंचायत हस्तम में हुई है और दूसरे की शादी ग्राम पंचायत नाई में। दर्द से परेशान महिला आए खुरदंड चौकी पर। इंचार्ज न होने के कारण महिला हुई परेशान। 3 साल पहले संगीता की शादी मकरी ग्राम पंचायत में हुई थी। बच्चा है तुम्हारे पेट में? बच्चा हाँ, हमारे पेट में भी बच्चा है। अब समय ही उसका, और मारी नहीं तो कल से पेट का पीरा भी नहीं जा रही। कहाँ पे? यहाँ राजगढ़िया होटल में, यहाँ हिसार में। तो वहाँ काम करता था मैं, अपनी जिम्मेदारी में रहता था। और ये अपने लड़के भेज दिया है दोनों, तो इनको मैं भेज दिया हूँ गाँव। इसके बाद मैंने बोला मेरी शादी हो गई, मैं बोला कि मुझे, मैं अपने बाल बच्चा देखूँगा, मैं नहीं होटल में आऊँगा काम करने। मेरा पड़ता नहीं 8,000 में। 3 साल मैंने काम किया वहाँ, मेरा कोई हिसाब नहीं दिया। 3 साल में 1 रुपया भी हिसाब नहीं हुआ था। अब मेरे ऊपर कह रहे हैं कि कर्जा है, मेरे 2 लड़के फंसा के चलाया था, और कहा मेरे 1.5 लाख रुपए का कर्जा लिए है। मैं कर्जा, झूठ बोल रही है बहना। हाँ, ये मेरे ऊपर झूठ बोल रही है, इसीलिए मेरे कल गई थी घर द्वार बेचवाने का, मैं 2 मिनट में घर द्वार बेचवा दूंगी। आपने अपने बहनों से बात नहीं किया? नहीं, बहनों ही मेरा नहीं बोलता है। वो आया था कल, वो दूर बैठा था, वो नहीं बोल रहा है कुछ। यानी कि वो सीधा है? सीधा हो कुछ भी हो, मगर ये बहन बोलती है, लेडीज बोल रही है। आपकी दोनों बहनें मिलकर आपकी बहू को भी मारा? हाँ, दोनों बहन दोनों मिलकर। मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था सिरे गुटका लेने, तो इतने बीच में इसने मारा दोनों मिलकर। माता राम पहले देखने आई थी कि नहीं है लड़का, फिर दोनों बहन गई है तो इसको मार के निकाल दिया, तारा लगा के चली गई थी। क्या नाम है तुम्हारा भैया? सोनू नाम। और ये मैडम कौन भैया की? ये मेरी बहन है सगी। कहाँ के रहने वाले हो सोनू भैया? पचोखर के रहने वाले। पचोखर के? हाँ। आज कहाँ पे आए हैं? आज यहाँ खुड़ार में आए हैं, मकरी गए थे, मकरी में है हमारी बहन जी। हाँ। क्या घटना घटी है बहन के साथ? बहन के साथ क्या घटना हुई है कि दोनों इसकी ननद मारिन है, और इसके जो है इनका घर ही घर का मामला है, तो ये अपना सुलझा लेते घर ही घर का मामला है। लेकिन ये दोनों ननद इसकी आके मेरे बहन को क्यों मारा? और ऊपर से मेरे बहन के पेट में बच्चा है, आज ही कल में रोज़ हो रहे हैं, 2-4 रोज रह गए हैं बस होने वाला है। इस तरह पेट में लात उसके मारा है पीछे, कि अभी तक उसका पेट दर्द कर रहा है, और कल से खाना भी नहीं खाया है। और क्या कार्रवाई चाहते हैं इनके ऊपर? क्या कार्रवाई चाहते हैं कि अच्छे से कार्रवाई हो, और क्या? ये नंदे अपने ससुराल से आई थी? हाँ, ससुराल से आई है मानने, और मेरी बहन को धमकी भी दे के गए हैं कि निकाल देंगे बाहर, और तुम्हारा घर द्वार बिछवा देंगे, खेत भी बिछवा देंगे, और ऐसी मार मरवाऊंगी कि जाके अपने गाँव में ही रुकेगी। तुम साहब से मुलाकात हुई चौकी? अभी तो नहीं हुई है। एप्लीकेशन दे दिया? एप्लीकेशन हाँ अभी दे दिया।